नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में कोरोना के कम होते मामलों के बीच अब केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है और ये गाइडलाइन 21 जून से प्रभावी होगी। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से अब राज्यों को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराया जाना है। इसको लेकर के केंद्र सरकार ने एक नई गाइडलाइन जो है जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जिस राज्य को वैक्सीन की जो आबादी है, कोरोना के केस है और वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है, उस आधार पर केंद्र सरकार राज्य को वैक्सीन देगी। और इसके साथ ही जो राज्य वैक्सीन की बर्बादी का, जिस राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी कम होगी, वैक्सीनेशन की रफ्तार ठीक रहेगी, उन राज्यों को इंसेंटिव भी दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने अब वैक्सीनेशन को लेकर के नई गाइडलाइन जारी कर दिया है। राज्यों में को के उनके काम के आधार पर जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है, कोरोना के केस है, इन आधारों पर अब वैक्सीन जो है केंद्र सरकार के तरफ से राज्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही गाइडलाइन में एक ये भी बोला गया है कि 45 से ऊपर वालों को और फ्रंट लाइन वर्कर को और हेल्थ केयर वर्कर को प्राथमिकता दी जाए वैक्सीन लगाने के, और जिन्हें दूसरी डोज लगनी है उन्हें भी प्राथमिकता दी जाए। नीति आयोग के तरफ से कहा गया है कि हमारी प्राथमिकता अब वही है, अब भी वही है, 45 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उन्हें रिस्क से बचाना है, कोरोना के खतरा उन पे ज़्यादा रहता है जो 45 से ऊपर है। तो प्राथमिकता में अभी भी हेल्थ केयर वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं और 45 साल से ऊपर के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो गाइडलाइन जारी की गई है, इससे राज्यों को सहूलियत मिलेगी और राज्य के जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपने राज्य को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सजग होकर काम करेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इस तरीके की वैक्सीनेशन को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। इसके बाद बता दें, राज्यों को 18 से 44 साल के बीच प्राथमिकता तय करने का अधिकार जो है दिया गया है, मतलब राज्य खुद 18 से 44 के बीच जो जिन्हें प्राथमिकता देना है इसका डिसीजन राज्य की सरकार ले सकेगी। हम आपको बता दें कि यह राज्य सरकार तय कर सकती है कि वैक्सीन जो है 18 से 44 वाले में किन कैटेगरी के लोगों को पहले उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके साथ गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% केंद्र सरकार खरीद कर राज्यों को फ्री में उपलब्ध कराएगी, बचा हुआ 25% प्राइवेट अस्पताल खरीद सकते हैं। साथ ही ये भी कहा गया है, राज्य प्राइवेट हॉस्पिटल की क्षमता में उनके आकार के हिसाब से वैक्सीन की मांग रखेंगे और केंद्र सरकार जो है इसकी सप्लाई सुनिश्चित कराएगी। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर के भी गाइडलाइन में कुछ जो है बातें बताई गई है। इसमें ये कहा गया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अलावा सभी राज्य वैक्सीनेशन साइट पर भी रजिस्ट्रेशन जो है वो सुनिश्चित करेंगे। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है, किसी व्यक्ति की मदद करना चाहता है और उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन लगाने की सुविधा देना चाहता है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वाउचर जारी किए जाएंगे या नॉन ट्रांसफरेबल होगा। राज्य सरकार वैक्सीन बुकिंग के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या कॉल सेंटर शुरू कर सकती है। तो कहीं ना कहीं अब वैक्सीन को लेकर के जिस तरीके से कोरोना के कम होते मामलों के बीच वैक्सीनेशन को एक रफ्तार दी गई थी, वैक्सीन जो है युद्ध स्तर पर लगाया जा रहा था, तो अब राज्यों को बेहतर परफॉर्म करने के लिए केंद्र सरकार ने इस तरीके से गाइडलाइन जारी की है ताकि लोग आगे आएँ और इस वैक्सीनेशन के लिए राज्य अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए जो केंद्र की गाइडलाइन है उसका पालन करें। तो ये कहीं ना कहीं राज्यों के लिए एक नया अवसर है वैक्सीन को लगाने का और अपने राज्य की जो स्वास्थ्य विभाग के काम है उसको बेहतर साबित करने का। इससे साथ ही हम आपको बता दें, इसमें ये भी कहा गया है कि कोविशील्ड की 25 करोड़ डोज और कोवैक्सीन की 19 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया है, यह अगस्त और इसके आगे के लिए है। इसके साथ ही 30% एडवांस भी रिलीज किया जाएगा। बायोलॉजिकल ई का भी नया वैक्सीन बन रहा है, वह सितंबर में उपलब्ध होगा और उन्हें भी 30 करोड़ वैक्सीन डोज एडवांस दिया गया है। तो अब वैक्सीनेशन की रफ्तार को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि जब वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू हुआ था, युद्ध स्तर पर वैक्सीन लगा रहे थे और लोग कोरोना की दूसरी लहर के बाद वैक्सीन लगवाने के लिए खुद सजग थे, लगातार जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जा रही थी और कई राज्यों से ये खबर निकल के आ रही थी और जो विपक्ष की पार्टियां थी वो लगातार सरकार पर आरोप लगा रही थी कि एक तरफ सरकार वैक्सीनेशन के महाअभियान चला रही है, वहीं राज्यों को जो उनका कोटा होता है वैक्सीन का उतना कोटा उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके चलते लगातार जो है सरकार को विपक्ष की पार्टियां घेर रही थी। इसको लेकर के अब केंद्र सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया है और वैक्सीन के लिए एक बड़ा कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए इस तरीके की जो गाइडलाइन है वो केंद्र सरकार ने जारी की है। पीएम मोदी ने ऐलान किया था, सोशल मीडिया पर चर्चा जारी थी, सुप्रीम कोर्ट को आदेश मानते हुए केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइन जारी किया है। साथ ही जिस तरीके से लगातार विपक्ष की पार्टियां
वैक्सीन को लेकर के, वैक्सीन के कोटे को लेकर के सवा घेर रही थी सरकार को, तो प्रधानमंत्री खुद देश को संबोधित करते हुए वैक्सीन को लेकर के एक बड़ा ऐलान किए हैं। तो अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि वैक्सीनेशन को एक रफ्तार मिलेगी और जो कोई भी छूटा है उसको जल्द से जल्द वैक्सीन का डोज लग सकेगा।